टू ऑल गाइस, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा CCNA 200301 के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट गाइस नो डाउट कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। गाइस लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो CCNA में कवर किया था वो कंपेयर था IP वर्जन 6 का एड्रेसिंग के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ IP वर्जन 6 के प्रैक्टिकल वगैरह के पार्ट के बारे में कवर कराया था कि कहाँ से आप IP वर्जन 6 का प्रैक्टिकल पार्ट कवर करोगे। ओवरऑल आप उतना कवर कर लिए थे, बट गाइज यहाँ पे हमारी बात होती है कि वायरलेस वगैरह का फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो चैप्टर था ये मैंने कवर किया था कि वाईफाई कैसे सेट करते हैं, वाईफाई में कैसे यूजर नेम पासवर्ड इंक्रिप्शन क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। सो आप लास्ट वीडियो जो भी है देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं टोटल मैक लर्निंग के बारे में कि मैक लर्निंग क्या होता है और मैक लर्निंग पे कैसे हमारा स्विच, जो हमारे कंप्यूटर के होस्ट होते हैं उनको कैसे, मतलब जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, सॉरी गाइस, जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर स्विच से, उनके साथ जो हमारा स्विच होता है वो कैसे मैक लर्निंग का काम करता है। यानी कि स्विच पर दो प्रोटोकॉल काम करती है, सभी को पता है ARP और RARP, राइट गाइस। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में टोटल मैक लर्निंग आप इसमें समझेंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, आप वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन या सारी चीज़ों को ले सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं मैक लर्निंग के बारे में। सो मैं यहाँ पे फटाफट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली अभी ये नहीं, मैं सिस्को पैकेट ट्रैकर ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस मैक लर्निंग का एक प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपने एक स्विच लिया हुआ है, सो आपने एक स्विच लिया और इस स्विच से आपने दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है, दो कंप्यूटर तीन कंप्यूटर जो भी हैं, तो मैं यहाँ पे दो तीन कंप्यूटर ले लेता हूँ। अब ये सब कनेक्टेड हैं और मैं इनको ऑटोमेटिक केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, इन सारे कंप्यूटर पे एक अलग अलग IP असाइन कर दिया 10.0.0.2, और ऐसे ही मैंने इस कंप्यूटर पे एक IP असाइन कर दिया 10.0.0.3, और लास्ट के होस्ट पे मैंने एक IP असाइन किया 10.0.0.4, ओके 14 कुछ भी कर दो आप, ये हो गया। अब अगर आप माउस पॉइंटर इस पर लेकर जाते हो तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको मिल जाती है कि IP डिटेल है सारी चीज़ें, ओके। हम लोगों को करना क्या है गाइस, मैक लर्निंग का काम करना है। स्विच पर चलते हैं, कुछ कमांड आपको दिखाते हैं। CLI पर गए और चलो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि आपने कौन सी कमांड से मैक एड्रेस की डिटेल लेनी है, तो सो स्पेस अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो क्वेश्चन मार्क में हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि स्विच पे हमारी दो प्रोटोकॉल काम करती हैं, पहली प्रोटोकॉल है ARP और दूसरी प्रोटोकॉल है RARP। ARP जो होता है IP से मैक एड्रेस को फाइंड कराता है और RARP मैक एड्रेस से IP एड्रेस में फाइंड कराता है, क्लियर गाइज। उसके अलावा हमारे जो स्विच होते हैं इनके, आप देख सकते हो इनके और किस चीज़ के बारे में, मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल देख सकते हैं और मैक भी चेक कर सकते हैं। अगर मैक एड्रेस टेबल आप निकालते हो तो मैक फॉरवर्डिंग टेबल के बारे में आएगा कि हमारा स्विच एक्चुअली कौन से मैक एड्रेस पे या टेबल पे काम कर रहा है, जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है कि एक्चुअली उस स्विच के पास IP है, या कब हमारा स्विच हमारे सारे कंप्यूटर्स का IP और मैक एड्रेस स्टोर करता है, कैसे टेबल बनाता है। तो गाइज बहुत ही बेसिक से लेके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैक एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पे मैक की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल जाएगी, ओके गाइस। लॉगिंग में आपको पता चल जाएगा द कंटेंट ऑफ लॉगिंग बफर्स, ओके। सो यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह तो आगे मैं बात करूंगा ही करूंगा गाइस। SNMP के बारे में चेक कर सकते हैं, जो कि मैक लर्निंग का पार्ट नहीं है, बट ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास मैक के लिए दो ही तीन कमांड मिली, मैक एड्रेस टेबल और मैक, और यहाँ पे ARP, राइट गाइस। सो तीनों कमांड हमने यहाँ से जज कर लिया, क्लियर कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, स्विच पर कमांड चलाता हूँ सो स्पेस, और मैंने लिख दिया मैक और मैंने इंटर किया। गाइस कमांड इनकम्प्लीट है, राइट। क्यों इनकम्प्लीट है, अगर मैं यहाँ पे एड्रेस टेबल दूँ तब ये जाकर काम करेगा, और इंटर कर दो तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि VLAN कोई नहीं मिला, मैक एड्रेस कोई नहीं मिला, टाइप कुछ नहीं है, पोर्ट कुछ नहीं है। तो क्या हमारा मैक एड्रेस काम नहीं कर रहा है, या टेबल ने अभी तक हमारे होस्ट का डिटेल नहीं रखा आपस में? सो क्यों नहीं रखा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर गाइज हम यहाँ पे सो स्पेस ARP अगर लिखकर इंटर करते हैं तो भी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। सो मतलब कि देयर इज
नथिंग अबाउट ए आर पी, सो ए आर पी स्पेस माइनस, सॉरी स्विच के पास अभी मतलब ये कोई डिटेल नहीं मिली। ओके अब पी सी पर चलते हैं गाइज, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे एक टेबल जनरेट होती है। ए आर पी स्पेस माइनस ए, इंटर किया, नो ए आर पी एंट्री फाउंड, यहाँ पे भी कोई टेबल नहीं है गाइज। क्या हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है? सो कनेक्शन हमारा क्या है कि एक बार पैकेट एक कंप्यूटर से उठाते हैं और दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं, ऐसे ही हम दूसरा पैकेट उठाते हैं यहाँ से और यहाँ को भेजते हैं, ऐसे एक और पैकेट उठाते हैं यहाँ से और एक लास्ट को भेज लेते हैं। तो क्या यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन? अगर हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती तो क्या पैकेट जाता? नहीं जाता, मतलब कनेक्टिविटी है, स्विच इन तीनों कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। तो बात होती है गाइस फिर टेबल क्यों नहीं मिली? टेबल तब तक नहीं मिलती है जब तक कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट नहीं डालता है हमारे स्विच पर, है ना, तब तक कोई भी टेबल यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। अब दोबारा से हमने पैकेट भेजने के बाद कोई भी कम्युनिकेशन करने के बाद, क्योंकि अब एक बार कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ हो चुका है तो स्विच को पता चल गया कि इनकी डिटेल क्या है, इनकी डिटेल क्या है, और वो उनकी डिटेल को अपने पास स्टोर किया हुआ है। अब गाइज ये स्टोर हो चुका है, अब चलो चलते हैं और कमांड पे, और यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं ए आर पी स्पेस माइनस ए और इंटर करते हैं। गाइज आपको क्या मिला? क्या नो एंट्री का कोई टैग मिला यहाँ पे? नहीं मिला, मतलब कि इंटरनेट एड्रेस हमारा 10.0.0.2.3 दोनों का मैक एड्रेस डायनेमिक टाइप का यहाँ पे स्काफ सपोर्ट कर रहा है। सो गाइज टेबल इसको मिल गई, कौन से कंप्यूटर को टेबल नहीं मिल रही थी? इस वाले कंप्यूटर को नहीं, बीच वाले पे शायद मैंने कमांड पहले चलाया था, हाँ यहाँ पे था नो टेबल फाउंड। दोबारा वही कमांड रिपीट करते हैं और इंटर करते हैं, अगेन टेबल फाउंड, है ना गाइज। तो इस तरीके से कुछ हमारा मैक लर्निंग होता है। अब चलो थोड़ा सा मजेदार कमांड यहाँ पे बात करते हैं, सो स्पेस, और मैंने यहाँ पे लिखा मैक स्पेस एड्रेस टेबल और इंटर किया। सो गाइस वीलैन 1 में यहाँ पे तीन कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, 1 पोर्ट से, 2 पोर्ट से, 3 पोर्ट से, और तीनों कंप्यूटर का जो मैक, सॉरी तीनों होस्ट का जो मैक एड्रेस है वो इस तरीके से कुछ काम करता है। अब गाइस स्विच के पास सारा डेटा स्टोर है, स्विच आईपी से मैक एड्रेस और मैक से आईपी एड्रेस को फाउंड कर सकता है। सो चलिए सो स्पेस ए आर पी लिख कर इंटर करते हैं, अभी भी कोई चीज यहाँ पे फाउंड नहीं हुई। सो यहाँ पर हमें कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है, इट मीन इसके आगे कोई कमांड भी नहीं दिखा रहा है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सो स्पेस ए आर पी क्वेश्चन मार्क लगाएं, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दे रही है, दिख रही है, तो हम लोग उसको यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, मतलब अभी इसका यूज नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब अगर आपने टेबल निकालनी है तो सिंपल एक कमांड है जो कि ये सो स्पेस ए आर पी स्पेस टेबल, और यहाँ पे आपका पूरा टेबल काम करना स्टार्ट कर देगा और पूरी टेबल यहाँ पे आपको मिल जाती है स्विच के बारे में। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी कि एक स्विच कैसे टेबल जनरेट करता है और स्विच की टेबल को आप कैसे चेक कर पाते हैं सिस्को टेक्नोलॉजी, अगर सिस्को डिवाइसेस कहीं पे लगी हुई हैं तो। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज चलते हैं एक बार टॉपिक की तरफ, और आपको जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि चलते हैं यहाँ पर जो CCNA का सिलेबस, एक बार उस पर झलक देखते हैं और अगला टॉपिक क्या है उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर दूं। तो अगला टॉपिक हमारा है मैक लर्निंग के बाद फ्रेम स्विचिंग और फ्रेम फ्लडिंग और मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल हो गया, मैक एड्रेस लर्निंग हो गया, और फ्रेम स्विचिंग और फ्रेम फ्लडिंग के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। देन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा वीलैन कॉन्सेप्ट के बारे में। सो गाइस वीडियो सीरीज आई होप कि अभी तक कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पूरा कंप्लीट 301 का सिलेबस आपको मिल रहा है पढ़ने को विद प्रैक्टिकल। सो गाइस बी रेडी फॉर क्रैक द एग्जाम, मतलब कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल रेडी हो जाओ और आते आते आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी कोर्स 24 फरवरी को आने वाला है। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें, और हो सके तो शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करें, लाइक करें। Thank you so much.